This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, इसकी विजुअल है। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, राइट? ओके, तो मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई थी आपको, याद है ना? मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे लाइन सेगमेंट अगर दिए हुए हैं तो उसकी हेल्प से हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। तो पहले आप ये बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर अगर कोई एक 2 सेंटीमीटर का आपका लेंथ है, ठीक है, एक आपका 5 सेंटीमीटर का दूसरा लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल का, और एक तीसरा है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा? आप बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये बेसिक क्वेश्चन है, मैंने ये डिस्कस भी किया था, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। ओके, ये ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा कि नहीं, आप मेरे को बताइए। ये अगर इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन दिया रहा है, अगर एक ट्रायंगल है, सपोज ये मान लीजिए, सपोज मैं एक ये एक मैं ट्रायंगल मान लेता हूँ कि ये बन ऐसा होगा, ठीक है ना, तो ये क्या संभव है? इट इज पॉसिबल, बताइए आप लोग। ओके, तो दो बच्चे, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कंफ्यूजन क्यों? मैंने तो क्लियर बताया हुआ था आप लोगों को। देखिए, मैं इसको एक बार और मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैंने क्या बताया था एक्चुअली में। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर सपोज सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है इस टाइप का, देखिए, ठीक है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपका ये लेंथ ए है, ठीक है ना, ए, ठीक है, ये लेंथ बी एंड दिस लेंथ सी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैंने बताया था अगर ये ट्रायंगल कब बनेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा जो मैं कंडीशन आपको बताने वाला हूँ, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन, पहला कंडीशन। उसी तरह सेकंड क्या हो जाएगा, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए एंड ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, समझ आ रहा है ना? यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन नहीं है, यानी इक्वल भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना आप? यानी वो इक्वल इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में देख रहे हैं आप। देखिए, दो केसेस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये तो एक्चुअली में ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ उस कंडी, ये मैथमेटिकल अप्रोच में बता रहा हूँ,
और प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोग तो जानते ही हैं कैसे बनाते हैं। अब देखिए, मैं इसमें 2 + 5 2 + 5 > 7, ये क्या है? नहीं है, ये तो कंडीशन वैलिड नहीं है। तो इसी कंडीशन से क्या हुआ, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है। अब हम लोग ये सारी चीज, अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस तो बन जाएंगे आप लोगों से, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये अगर आपका इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हैं ये तो बन जाएंगे। बताइए। ओके, अब देखिए, अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये चीजें बन जानी चाहिए आपको। इन इस टाइप के जो फिगर है, मैं 4.2 में इस टाइप का फिगर बनाने में कोई तो आप प्रॉब्लम नहीं आएगी, बताइए। ओके, चलिए। अब देखिए, एक दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा। ये वो तो सिंपल जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो तो आप लोग बना ही लीजिएगा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एबीसी, सर ए डैश बी डैश एंड सी डैश, सच दैट ए बी इज टू ए डैश बी का जो रेशियो होना चाहिए 3:5:3 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका सबसे पहले। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग इसको हम बारी बारी से इसको देखेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करेंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे। और इस रफ फिगर का आइडिया कैसे आएगा कि ए डैश कैसे बड़ा होगा और बी डैश कैसे बड़ा होगा, इसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिए हमारा, देखिए इसमें ए बी इज टू ए डैश बी, इनका जो रेशियो है ये 5:3 के रेशियो में है। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ए बी बाई ए बी डैश, ठीक है, ये कितना है आपका 5:3, ठीक है, 5:3। इज टू का मतलब ये ना होता है कि दोनों का रेशियो कितना है, 5:3 है। यानी ए बी का लेंथ, इस ये बात आप समझ रहे हैं ना, ए बी का जो लेंथ होगा वो ग्रेटर देन ए डैश बी होगा। ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि रेशियो दोनों का, ए बी का रेशियो क्या है, ज्यादा है। ये समझ आई? बताइए, ये समझ में आई जो मैंने अभी आपको लिखा? चलो अब देखते हैं आगे। देखिए, इसका मतलब हमारा रफ फिगर क्या होगा, कुछ इस टाइप का फिगर होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारा एक इस टाइप का, हमारा एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ ये, ठीक है, जिसमें ए बी क्या होगा, ए बी जो होगा बड़ा होगा, यानी ये आपका ए है और ये आपका बी है, बी और ये आपका सी, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा ए डैश एंड ये क्या हो जाएगा बी डैश। समझ पा रहे हैं ना, ये हमारा रफ फिगर हो गया। इस रफ फिगर से एक आइडिया मिल गया कि हमारा कहीं इस टाइप का फिगर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका थोड़ा सा लार्ज बनेगा या स्मॉल बनेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे मेजरमेंट पे, हम लोग मेजरमेंट क्या लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या, देखिए अब देखिए, आपको जब इसमें इस ट्रेंगल को मैं दो हिस्सों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये दिस ट्रेंगल
ट्रायंगल, और इसी को मैं क्या किया, इसी उन दोनों वही ट्रायंगल है, सिर्फ मैंने इसको अलग अलग तरीके से, देखिए यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ए डैश नाम दे रहा हूँ। उन दोनों को बारी बारी से मैंने क्या किया, निकाल दिया, ए डैश सॉरी ये बी हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे आपको ये आपका सी डैश होगा, ये हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूं मैं, देखिए देखिए यहाँ पे ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इज टू वाला कंसेप्ट बताया था, ये तो आप समझ पा रहे हैं ना, लेकिन ये जो ये किसके किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए सी एंड इस फिगर के हेल्प से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, ए डैश बी एंड ए सी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोमेनक्लेचर थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इसको मैं सी डैश नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सी डैश नाम दे देता हूँ, और इसको क्या देता हूँ, बी और ए और ये सी। आपकी ये दो फिगर्स हैं, दो फिगर्स हैं, ये सी डैश वाला फिगर है और ये सिंपल सी वाला फिगर है। ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, बताइए कॉन्ग्रुएंट है ना, ये दोनों फिगर आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं ना, बताइए ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है ना, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, ठीक है। वही कंसेप्ट लगाया गया है, देखिए इसमें इन दोनों फिगर में आपको कॉन्ग्रुएंसी दिख रहा होगा। अब देखिए एंगल, एंगल बी जो होगा, एंगल बी छोटे वाले ट्रायंगल को देखिएगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल को आप देखिएगा, तो एंगल बी इस एंगल बी के बराबर होगा, होगा ना, क्योंकि कॉमन है, इस फिगर से आपको कॉमन दिख रहा है ना, तो एंगल बी आपको कॉमन हो गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया। और इससे आपको एक जो, और ये आपको मालूम होगा कि जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उनका साइड का रेशियो, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब वो सेम होगा। ये इक्वेशन आपको समझ में आया कैसे आया, ये इक्वेशन समझ में आया कैसे आया, बताइए, नहीं तो मैं इसको भी मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। ये बताइए किसको समझ में आया कि नहीं है, मतलब दो ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, यानी सेम होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल्स हो गया कि कैसे क्या होगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर क्या है, इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए वो क्या करेंगे, इसमें तो ए बी सी का कोई तो लेंथ तो नहीं दिया है, मतलब कोई ए बी का कोई लेंथ तो नहीं ना दिया है, रेशियो दिया है, तो लेंथ की वो जो आपका लेंथ है किसी रेशियो जो है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, कोरस्पॉन्डिंग टू रेशियो। अब देखिए इसको बारी बारी से कैसे करेंगे, कन्वीनियंस के हिसाब से ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे मैं क्या करता हूँ, बी सी का लेंथ 5 सेंटीमीटर रख लेता हूँ, ठीक है। बी सी का लेंथ कितना ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल होगा, देखिए इस टाइप का, देखिए सबसे पहले तो हमारा इस टाइप का ट्रायंगल होगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल में ये तो मैं अभी रफ बना रहा हूँ, आपको ये समझ में आएगा, ए बी सी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश, ठीक है, सॉरी सी डैश, ठीक है, ए डैश सी डैश। अब मैं क्या करना है, ये तो हमारा रफ फिगर है, ये तो हमारा रफ फिगर है, अब इसको एक्चुअल फिगर में कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ बी सी लेंथ को, जो हमारा बी सी है उसको क्या करता हूँ 5 सेंटीमीटर का मैं अपने हिसाब से, आप 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 15 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं,
5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, और अपने हिसाब से जितना आपको पेपर के पेन पेपर का साइज हो उसकी हेल्प से आप लोग ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 5 5 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है। ओके, ये समझ आया, 5 सेंटीमीटर का मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया, और ये लाइन सेगमेंट क्या है, यहाँ पे BC लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। आप देखिए BC को क्या कीजिए, इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, BC को आपको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो आप डिवीजन मेथड आप लोग पढ़े होंगे, मैं क्या कर रहा हूँ इसके स्केल के हेल्प से ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 1 सेंटीमीटर का हमारा लेंथ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, एंड ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक। मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है, ये हमारा डिवीजन हो गया 5 इक्वल पार्ट्स में। ये प्रोसेस आपको जाननी है, धीरे धीरे आप लोग इसको सीख जाइएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमारा एक मैथमेटिकल स्टेप। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो लाइन सेगमेंट BC है, और BC को क्या करना है, BC जो है हमारा इस रेशियो से आपको BC मैंने आपकी बताया था। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारा BC जो है BC डैश ये कितना है, 5:3 है ना, 5:3 है, 5:3, यानी इसको आप लोग वन स्टेप और आगे बढ़िएगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा BC डैश बराबर क्या हो जाएगा, BC डैश यहाँ पे BC डैश क्या हो जाएगा, 3/5 क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, 3/5 BC हो जाएगा। ये हमारा ये इक्वेशन यहाँ से आएगा, यानी जो हमारा BC डैश का जो हमारा लेंथ होगा, वो BC के 3/5 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि जितना, अगर इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, अगर BC का लेंथ सपोज मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो BC डैश का लेंथ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर हुआ ना। अब देखिए इसके आगे हमको क्या करना है, BC डैश हमको करना है। अब इसके बाद एक लाइन सेगमेंट BA ड्रॉ करना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट हमको क्या करना है, BA ड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी, देखिए हम अभी बता रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई एंगल का कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि कितने एंगल पे आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा ना, ये ट्रायंगल, तो ये तो कोई एंगल तो क्वेश्चन में नहीं नहीं दिया है कि आपको इसी एंगल का बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं एट रेंडम अपने हिसाब से इस तरह का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक आपको दिया नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए इस एंगल, यहाँ पर भी आपको कोई एंगल नहीं दिया गया है, ठीक है ना, ना लेंथ का मतलब दिया गया है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको भी, इस इंड पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इधर कहीं भी मिला देता हूँ, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, आप देखिए समझ पा रहे हैं ये चीजों को, कि बताइए ये आप चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्लियर है, यस या नो लिखिए बताइए। ओके, अब देखिए हमको क्या करना है, 3/5:2 के रेशियो में आपको ये सारी चीजें आपको रखनी है। तो आपको क्या करना है, जो आपका लेफ्ट साइड जो एक्सट्रीम है, इस 5 में से आपने कभी पढ़ा था ना, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ये एक बॉक्स है और बॉक्स में 4 स्पेसेस हैं, तो 2/4 स्पेसेस में हम लोग क्या करते थे, अगर 2/4 स्पेसेस थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें अगर 2 स्पेसेस को फिल करना है, फिल कर दिए, 2/4 है ना, इसका मतलब होता था 2 स्पेसेस को हमने फिल कर दिया।
ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, ऐसा कुछ करते थे ना बचपन में। अब देखिए उसी हिसाब उसी तरह हमको क्या करना है, उसी तरह से हमको क्या करना है, इसमें बीसी जो लेंथ है हमारा, बीसी कौन सा लेंथ है एक्चुअली में, हमारा ये बीसी लेंथ है बी एन सी, और बीसी में कितने, बीसी को कितने हिस्सों में हमने डिवाइड किया, 5 हिस्सों में, और उसमें से कितने हिस्सों के बाद हमको लाइन ड्रॉ करना है, 3 सेगमेंट के बाद। तो लेफ्ट साइड से कितना सेगमेंट लेंगे, 1 सेगमेंट 2 3, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है, किस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, समझ पा रहे हैं ना, बताइए इस लाइन के पैरेलल आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों को, बताइए। तो इसको आपको क्या करना है, पेन सॉरी पेंसिल इरेजर शार्पनर जो भी चीजें हैं, प्रोटेक्टर कंपास जिसकी भी जरूरत पड़े, इसको आपको एक व्हाइट पेपर पे, A4 साइज पेपर होता है, या जो मैथमेटिक्स जो सॉल्व करते हैं उस पेपर में आपको ये सब अपने आप से करना होगा, क्योंकि मैंने ये डिजिटली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन करना तो आप ही को है, एग्जाम फाइनल एग्जाम में तो आप ही को ही ये लिखना है। तो मैंने ये बेसिक चीजें बता दी, मैंने टीचर का क्या काम होता है कि चीजों के आसान भाषा में आपको समझा देना, ठीक है। अब देखिए इसको इसको एक और देखिए, मैं अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस लाइन सेगमेंट को 5 5 हिस्सों में मैंने क्या किया, स्केल की हेल्प से मैंने डिवीजन किया था। अब मान लीजिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इससे अगर ये 7 सेंटीमीटर का लेंथ होता, सपोज मान लीजिए, तो 7 बाई 5, 7 बाई 5 एक तो हमारा एग्जैक्ट फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ आ जाएगा, ये हमारा इस टाइप का आ जाएगा 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा एक्चुअली में, 7 5 बाई 7, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझिएगा पहले, उसके बाद आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, देखिए अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इन लाइन सेगमेंट को 5 बाई 7 के 5 बाई 7 सपोज 7 हिस्सों में, इस हिस्सों में आपको डिवाइड करना है, इस टाइप में डिवाइड करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, डिवीजन रूल मैं बता रहा हूँ, किसी लाइन सेगमेंट को डिवीजन कैसे करते हैं वो आपको बेसिक चीजें बेसिक में पढ़ाया गया होगा प्रीवियस क्लासेस में, उसी को मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बीसी लाइन सेगमेंट को 5 सेंटीमीटर मैंने लिया था, उसको मैंने तो स्केल की हेल्प से मैंने उसको 5 हिस्सों में कट किया था, लेकिन मैं यहाँ अब आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से सॉरी कंपास की हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट क्या करेंगे, बीसी लाइन सेगमेंट को हम लोग बीसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। देखिएगा इसको ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले एक मान लीजिए हमारा लाइन सेगमेंट है, ये बीसी लाइन सेगमेंट है, और इसके यहां से क्या करेंगे, इसको एक अपने हिसाब से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है ना, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन कर रहे हैं, मतलब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को इसकी हेल्प से इस लाइन को क्या करेंगे 5 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से कंपास लिया, और कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, सपोज 5 हिस्सों में, तो मैं यहाँ पे आर्क ले जाऊंगा, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड, एक मिनट और ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको, देखिए इसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, देखिए एक हिस्सा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इस पॉइंट पे ले जाऊंगा, और सेकेंड टू, और टू इसके बाद इसको, ये आसान मेथड है आपको मालूम होनी चाहिए, 3, ठीक है, इसके बाद 4, ठीक है, और इसके बाद 5, ठीक है, और इसमें प्रोटेक्टर को साइड में रख दूंगा, इस प्रोटेक्टर को जैसे ही साइड में रखा
तो जो हमने लास्ट पॉइंट हमको मिला, कौन सा लास्ट पॉइंट मिला आपको, कौन सा मिला, ये वाला पॉइंट आपको मिला, इसको यहाँ पर रख दीजिए इसको, और इस पॉइंट और इस एक्सट्रीम पॉइंट को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। अब मिल गया, अब मिल गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, इस ये जो आपने लाइन मिलाया ना, इसके पैरेलल इस पॉइंट से आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो इसके पैरेलल ये हमारा देख पा रहे हैं आप, क्लियर हो रहा है, बताइए, समझ पा रहे हैं चीजों को, बताइए। समझ आ रहा है ना? आप देखिए, अब बारी बारी से क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करेंगे पैरेलल, ठीक है ना? देखिए आप, इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो इस जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है, जो आप उस पे 5 पॉइंट आपको मिलेंगे, और ये जो सारे पॉइंट होंगे ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है? समझ आ रहा है ना? बताइए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? अब देखिए, इस पॉइंट को आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना? इसको नाम, ये देखिए, ये तो हम मेरा ए है, इसको आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? इसको बारी बारी से आप नाम दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं नाम। ये तो एक कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर है, ऐसे करते हैं। क्लियर हुआ? बताइए। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हमारा कुछ इस टाइप का आपका, इस टाइप का आपका एक देखिए क्या था। एक में आपका रेशियो जो था आपका ग्रेटर देन वन था, 5/3 क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। एक दूसरा, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपका रेशियो क्या होगा, 5/7, यानी 1 से क्या होगा, कम होगा रेशियो, ठीक है ना? तो इसमें भी क्या है, इसको भी वही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है उसी को। फाइव देखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है, BC/BC रेट 5:7 हो जाएगा ना, ये आप ये कंडीशन आप समझ पा रहे हैं ना? इसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ABC एक कोई भी ट्रेंगल बनाएंगे, कोई भी एक ट्रेंगल बना लेंगे एक ABC, इस टाइप का हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। इसके बाद और इसको क्या करेंगे, इसको इसको मैं बता दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले एक ABC हमारा कुछ इस टाइप का आपका, ये देखिए यहाँ पे आपको जो रेशियो दिया हुआ है, AB/A'B, ठीक है, AB/A'B, AB/A'B, ठीक है, AB कितना है ये आपका, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:7, 5:7, ठीक है। इसका मतलब हमारा ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होगा, हमारा कुछ इस टाइप का होगा, और ये आपका, ये AB, ये मान लेते हैं ये A होगा, ये है, ये B है, और ये C है, और ये A' है, और ये B', ठीक है, सॉरी C', ये तो C' होगा, क्योंकि रेशियो तो सबका सेम ही होगा। तो इसमें किसकी बात की जा रही है अभी, AB और A'B की, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको AB जो लेंथ है उसको, AB जो बराबर होगा, ये किसके किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा BC, देखिए इसको, ये रेशियो मैं लिख रहा हूँ, BC
बीसी बाई बी सी डैश, ठीक है, बराबर होगा किसके बराबर होगा, ए सी बाई ए सी डैश। ये सारे ये तो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है, बेसिक चीजें हैं। आप देखिए अब हमको क्या करना है, जो हमारा बी सी है इसको मैं बी पॉइंट डाल दे देता हूँ और इसको सी पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिए, इसको फाइव हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, इसको अप्रोक्स फाइव हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए आपका, इसको फाइव हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने का मैंने अभी जस्ट तरीका बताया इस टाइप का, ठीक है, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड से ना उतरे। देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पॉइंट रखा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, इसको यहाँ पे आर्क दिया वन आर्क, ठीक है, इसको दूसरा एंड थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फाइव, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को इससे मिला देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को इसके पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल होना चाहिए, किसके पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट्स मिल गए। और इस तरह से, और ये भी एक इस टाइप से हमारा लाइन सेगमेंट बन रहा होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस बी सी इतने दूर को अब आर्क लेंगे, कितने का आर्क लेंगे, देखिए अब इस इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ले जाएंगे, देखिए कोई एक यहां से एक लाइन सेगमेंट का यहाँ पे आर्क ले लेंगे, इसको देखिए यहाँ पे आर्क ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, यहां से इस लाइन दो, यहाँ एक मिला पॉइंट, इसको आगे बढ़ाकर क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से मिलेगा। और इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा। और इसके बाद क्या करना है, हमको इसको इस टाइप से थोड़ा सा आपको यहाँ पे, ये थोड़ा पेन और पेपर से बाहर जा रहा है, तो इस टाइप से आपका ये आपका ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये कंसेप्ट समझ में आया, बताइए कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है, कहीं की कोई किसी को डाउट है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट बताइए। देखिए और ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था क्या, प्रैक्टिस सेट 4.1 कुछ याद है आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट 4.1 मैंने दिया था क्या आप लोगों को, यस या नो बताइए। तो आपका होमवर्क जानते हैं क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट 4.1 आपका होमवर्क रहेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। और इसको आपको क्या करना है, पेन और पेपर से बनाकर इसको आपको बनाकर गूगल क्लासरूम पे आपको सेव कर देना है, ठीक है, उस पर सेव कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ, ये सारे क्वेश्चंस में किसी को डाउट होगा क्या, बताइए, इस अगर इस क्वेश्चन में कुछ अगर मदद चाहिए तो बताइए, इन सारे ऐसा चीज की जो आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको नहीं समझ में आ रही, तो जस्ट आप क्वेश्चन नंबर क्लिक कीजिए, मैं वो बना हेल्प कर दूंगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, ठीक है।
चलिए अब आगे हम लोगों का क्या जो भी है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एट ए पॉइंट। बहुत अच्छा, ये आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये फर्स्ट देखिए क्या करना है, इस पहले टॉपिक को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है और उस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना। देखिए इस सर्किल है और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये तो डिजिटल बोर्ड है, तो अभी तो मैं कहीं से कहीं टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कहीं बोले कि नहीं आपको इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे सपोज मैं एक पॉइंट आपको दे रहा हूँ, ये डार्क पॉइंट देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आपको सपोज आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये तो मैं तो अप्रोक्स ऐसे लेकर मैं अप्रोक्स यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से तो ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअली में जो कंस्ट्रक्शन करना है उसको कैसे करेंगे, उसका बारी बारी से कुछ मेथड्स हैं उसको सीखेंगे। देखिए यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसमें क्या बोला गया है, यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा पहले थ्योरी समझना है। सपोज वी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट एल, मान लीजिए कि आपको एक टेंजेंट जो है एल, टेंजेंट का क्या नाम दिया गया है, एल नाम दिया गया। एल भी दे सकते हैं, एम भी दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इन्होंने क्या दिया है, नाम एल दिया है, ठीक है। पासिंग थ्रू ए पॉइंट पी, पी पे कोई एक पॉइंट, सर्किल पे कोई एक पॉइंट है पी, अन सर्किल विथ सेंटर सी, सर्किल है तो उसका तो सेंटर तो होगा ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि जो भी टेंजेंट होता है ना वो परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है, ठीक है ना, ये आपको तो मालूम है। जो भी टेंजेंट होता है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी रेडियस होगा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहले तो ये हमको कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, आप देखिए अब इसके बाद परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। और इसको यूज कैसे करेंगे इसको अब मैं बताने वाला हूं आपको। बताइए इसमें क्या कंसेप्ट यूज किया गया है, देखिए ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ इसको आपको समझना है। एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर तो होगा ही, सेंटर होगा अच्छी बात है। और किसी ने बोला कि नहीं सर्किल है, उस सर्किल पे कोई एक पॉइंट दे दिया, कोई भी पॉइंट हो सकता है, सर्किल के किसी भी हिस्से में हो सकता है। उस हिस्से में हमको क्या करना है, उस पॉइंट पे हमको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। रेडियस तो बहुत सारे होंगे सर्किल पे, लेकिन उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही रेडियस ड्रॉ हो जाएगा, रेडियस के परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पे क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और वही लाइन सेगमेंट क्या होगा, हमारा टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक सेंटर ले लेंगे, ठीक है, और सेंटर की हेल्प से देखिए यहाँ पे इसको मैं बता रहा हूँ, ये हमारा क्या है, सर्किल, सर्किल है, देखिए सर्किल बन गया हमारा। और सपोज सर्किल पे ये एक हमारा लाइन सेगमेंट ये है, ठीक है, सॉरी ये तो मैंने अभी सेंटर ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे सपोज मान लीजिए सेंटर कहीं यहाँ पे हो, ठीक है, सेंटर ये आपका हो गया। जैसे ही ये सेंटर हो गया, और सपोज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए हैं इस पॉइंट्स का मैं नाम दे रहा हूँ, इसका नाम ए दे रहा हूँ, इसका नाम बी दे रहा हूँ, और सी दे रहा हूँ, और डी दे रहा हूँ। आप लोग बताइए किस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, आप लोग कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, मैं उसी पॉइंट पे मैं आप ड्रॉ करूंगा, ठीक है। कोई आप एक
एबीसीडी में कोई भी एक पॉइंट दीजिए हमको, उस पॉइंट पे मैं एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। सिर्फ कमेंट बॉक्स में आपको एबीसीडी में से कोई एक पॉइंट देना है। दीजिए, आप लोग लिखिए सी। ओके, सी पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, बी पे भी ड्रॉ करेंगे, किसी एक पॉइंट पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले सी ऑप्शन आया तो सी पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ठीक है, सी पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए और बी पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए, अब सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? हमारा रेडियस कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है ना, ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हेल्प होगा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने में, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो एक लाइन आएगा, ये तो हमको मालूम है। अब इसके बाद मैंने कुछ दिन पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ बताया था ना, इस टाइप का कंसेप्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को बताया था ना। कैसे ड्रॉ करते हैं बताइए। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पे? हाँ, आप लोग बताइए कैसे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, बताइए, यूजिंग कंपास। वो तो करेंगे ही कंपास की हेल्प से। तो उसमें क्या करेंगे, क्या करना होगा हमको बताइए, दिमाग लगाइए। वो तो मैं बताऊंगा ही, वो तो मेरा काम है बताना, लेकिन बताइए। कुछ भी दिमाग में जो आ रहा है उसको लिखिए, लिखिएगा तो तभी समझ में आएगा। अगर गलत भी होते हैं तो सही सीखने का मौका मिलेगा, सही होगा तो अच्छी बात है, आप जानते हैं। ओके, डिवाइड लाइन इन इक्वल पार्ट्स, डिवाइड लाइन इन इक्वल पार्ट्स एंड मेक आर्क ऑफ दैट एंड बाइसेक्ट द लाइन। ओके, ये तो कंसेप्ट अच्छा है। ठीक है, इसी को यूज करते हैं हम लोग, सही बताया आपने। देखिए हमारा क्या था यहाँ पे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इसको मैं अब देखिए, एक मैं आर्क लेता हूं, इस पॉइंट से मेरे को क्या करना है, ये तो मैं किसी भी लेंथ का मैं एक लेंथ ले सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा ध्यान से, मैं एक सिंपल आर्क लेता हूं। ठीक है, किस लिए आर्क ले रहा हूं, इस पॉइंट से मैं क्या चाह रहा हूँ कि दो दोनों साइड में क्या हो जाए, दोनों साइड में इक्वल इक्वल लेंथ पे मेरे को दो पॉइंट्स मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं क्या किया, यहाँ पे कट कर दिया, और इसी आर्क को मैंने क्या किया, इस साइड मैंने कट कर रहा हूँ, देखिएगा इस साइड मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, कट कर दिया। तो आपको जो मैं पूछूंगा वो आपको बताना है, क्या बताना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जितना होगा वही तो लेंथ ये होगा, समझ पा रहे हैं ना, इन दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। जो अभी आपने बताया, तन्वी ने जो बताया अभी, पहला क्या किया, डिवाइड लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। एंड मेक आर्क, अब यहाँ से क्या करेंगे, आर्क लेंगे, जी जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखा है उसी स्टेटमेंट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। यही आपको सीखना है कि जे कैसे, जो आपको थोड़ा आर किस किस में क्या लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ये आपको मालूम ही होगा, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, और मतलब ग्रेटर लेते हैं, आधे से थोड़ा सा अप्रोक्स ज्यादा लेते हैं। ठीक है, और कुछ इस टाइप से हमारा, कुछ इस टाइप से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सही कर रहा हूँ ना मैं, बताइए सही कर रहा हूँ ना, ऐसा ही ना करते हैं।
ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से मैं बाइसेक्ट किया। अब हमारा इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ये आपको पॉइंट मिला और इसी को क्या करूँगा, इसको ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करूँगा, मिला दूंगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को क्या करूँगा, मैं मिला दूंगा। दिख रहा है ना आपको, मिल जा रहा है ना, एग्जैक्टली पॉइंट मेरे को परपेंडिकुलर मिल गया और उस पॉइंट से पास होता हुआ ही मिला है, ठीक है ना। इसका मतलब ये साबित होता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन सही है, ठीक है ना। समझ आया, बताइए समझ आया ये थ्योरम। तो जो आपने तन्वी ने जो अभी लिखा, जो स्टेटमेंट लिखा, उसको उस स्टेटमेंट को कैसे मैंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, यही आपको सीखना है। बारी बारी से यही आपको सीखना है। डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लीजिए। ये इक्वल पार्ट्स क्या हो सकता था, थोड़ी देर के लिए थोड़ा समय आपका दिमाग दिमाग लगाइएगा। ये इक्वल पार्ट क्या हो सकता था, इस इक्वल पार्ट को मैं थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, देखिएगा। ये जो मैंने आर्क लिया था, इसको मैं और बड़ा आर्क ले सकता हूँ, ठीक है ना। आर्क कितना भी लीजिए आपका काम वही होगा, ये भी इक्वल पाथ होगा और इसको थोड़ा सा घुमाकर इस साइड भी ला सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वही चीजें हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एक सेकेंड मेथड है आपको, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब बताइए, ठीक है, आपको सेंटर मालूम था, पहला केस में क्या था, आपको सेंटर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। सेंटर मालूम होना चाहिए, जब तक सेंटर आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप कुछ ही नहीं कर सकते। पहला केस में जो हमने अभी बहुत आसानी से बना लिया, अगर आपको एक ऐसा केस मिले कि आपको सेंटर ही नहीं मालूम है, ठीक है ना, सेंटर आपको नहीं मालूम है, तो उस केस में क्या करेंगे। देखिए इसको मैं समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत, ये जो है इंटरेक्ट, ये जो ज्योमेट्री है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इसको आपको बनाने में मतलब आपको फील आया कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पे फील आया होगा कि नहीं, आपको लग रहा होगा किसी किसी केस में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस केस में आपको लग रहा होगा कि इस पॉइंट को टच नहीं कर पाएगा, ऐसा आप कभी कभी लगता है कि इस पॉइंट को टच नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही आप ज्योमेट्री सही बनाइएगा तो आपको लगेगा नहीं, हाँ मैंने ये ज्योमेट्री सही बनाई है और ये जो पॉइंट्स है देख रहे हैं ना, इसको एकदम एग्जैक्टली ये वन पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। ये चीजें आपको इंटरेस्टिंग होती है मैथमेटिक्स का। अब देखिए नेक्स्ट आगे हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ एनी रेडियस। ये इसको मैं बता रहा हूँ, विदाउट यूजिंग द सर्किल ऑफ सेंटर, टेक एनी पॉइंट सी ऑन इट, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्किल विदाउट। देखिए इसको पहले मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे सुटेबल रेडियस का, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस चीज को आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और इस पॉइंट पे, इस सर्किल पे एक सी पॉइंट ले लीजिए, सबसे पहले एक सी पॉइंट ले ली, ठीक है। सी पॉइंट मैंने लिया, इसको मैंने क्या नाम दिया, सी नाम दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, धीरे धीरे आपको उसके बाद ड्रॉ कॉर्ड सी बी, सी बी एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, ठीक है ना। एंड स्क्राइब एंगल सी ए सी ए बी, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे अभी थोड़ी देर में क्या होता है। ये जो आपको जो भी चीजें हैं ये समझ में आएंगे। आप देखिए सबसे पहले सी पॉइंट है हमको, उसके बाद एक कॉर्ड हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो इस यहाँ पे मैं कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे इसी समय इस ड्रॉ कर दिया। और ये जहाँ पे इस सर्किल पे टच किया, इसको मैंने क्या दे दिया, बी नाम दे, अच्छी बात है। इसके बाद क्या करना है, अब हमको एन स्क्राइब एंगल मिलेगा, कौन सा, सी ए बी, ठीक है ना, सी ए बी। अब
यहाँ पे आप एक ए पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो ए पॉइंट है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमको, आप देखिए इस पॉइंट्स को हम बारी बारी से मिला देंगे। सबसे पहले जो समझिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। चलो तो ये हमारा फाइनली यहाँ तक हो गया। एक्चुअली तो हमको तो टेंजेंट तो ड्रॉ करना है सी पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको एक कोई भी रेडियस का क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे, ठीक है। और आर्क को क्या करेंगे हम लोग, कट करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, एक आर्क लेंगे, आपका कौन सा आर्क लेंगे, एक आर्क लेंगे इस टाइप का, रुकिएगा। देखिएगा ये आर्क मैंने लिया, और ये जो आर्क है आपको दो पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट को मैंने एम नाम दिया, ठीक है, इसको एम नाम दिया और इसको एन नाम दिया, ठीक है ना। ये जो आपका पॉइंट जो मिले यहाँ और यहाँ, ठीक है। चलिए इसके आगे क्या करना है हमको, यूजिंग द सेम रेडियस एंड सेंटर सी, ठीक है। सेम रेडियस ड्रॉ एन एन आर्क इंटरसेक्ट द कॉर्ड बी सी, ठीक है। अब क्या करना है हमको, एक लाइन उसी सेम रेडियस का, कौन सा रेडियस का, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने रेडियस लिया था, ठीक है। उसको क्या करना है, सेंटर सी को सेंटर मानकर हमको आर्क ड्रॉ करना है, जो कि सीबी सीबी जो हमारा कॉर्ड है उसको कहाँ पे कट करे, एक पॉइंट मिले हमको कहाँ पे, आर पॉइंट पे। तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। देखिए जो हमने ये आर्क लिया था, इसी आर्क को क्या करूँगा मैं, यहाँ पे रखूँगा और थोड़ा सा यहाँ पे कट करूँगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट मिले, इसको साइड में रखूँगा। इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को मैं आर नाम दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। इसके बाद क्या करना है, टेकिंग द रेडियस इक्वल टू डी एम एन, यानी जो हमारा एम एन डिस्टेंस हमारा और सेंटर आर, एक मिनट रुक जाएगा। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, देखिएगा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स हमको मिले थे ना, अब इस एम पॉइंट से हमको क्या करना है, एक आर्क लेना है, ठीक है ना। कितना आर्क लेना है, देखिए इस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इसको इधर रोटेट कीजिए और इतना आर्क लेना है, हमारा ये आर्क है ना, ठीक है। इतना आर्क लेना है, एम और एन का डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस के बीच एक आर्क होगा। इसी आर्क को क्या करेंगे, इस आर पॉइंट पे ले जाएंगे और इस आर पॉइंट से क्या करेंगे, एक थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, इस जो आर्क हमने आर्क ड्रॉ किया था ना, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर पाए। यहाँ पे जो था हमारा पॉइंट, हाँ इसको देखिए यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या करेंगे साइड में रख लेंगे, देखिएगा थोड़ा सा आपको। और यहाँ पे एक पॉइंट मिला ना, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे, तो आपको ये टेंजेंट फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा, ठीक है ना। दिख रहा है बताइए, क्लियर हुआ बताइए आप लोग, क्लियर हुआ ये जो भी स्टेप्स मैंने बताए, क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ तो फिर एक मैं फिर
फिर से इसको मैं बता रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सर्किल दिया हुआ हो सकता है, उसका सेंटर नहीं मालूम है। पहला केस तो था कि सेंटर मालूम था तो हमने कर लिया। दूसरा केस है कि सेंटर नहीं मालूम है, ठीक है, और किसी किसी एक पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रॉ दिया। उसके बाद हम क्या किया, एक पॉइंट के लिए और उस वी और सी पॉइंट को मिला दिया, तो यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख गया। और इस ए पॉइंट से हमने क्या किया, इस ए पॉइंट से हमने एक आर्क लिया अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, और इस ए सी और ए बी लाइन को और एक फिगर देखने को मिला। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा ए एन जो लाइन सेगमेंट था, उसी लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमने सी बी कॉर्ड पे हमने क्या किया, कट किया। और उस कट करने के बाद हमने क्या किया, एम एन का जो हमने आर्क लिया, एम एन जो हमारा आर्क, एक न्यू आर्क जो जनरेट हुआ, उस आर्क को हमने क्या किया, आर्क आर पॉइंट से हमने इसको कट कर दिया। और ये जो पहले से जो हमारा आर्क आर जिस पॉइंट से मिला था, उसी आर्क यहाँ पे इसको कट कर रहा था, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया सीक से, तो हमारा ये टेंजेंट का काम करने लगा, यानी टेंजेंट बन गया। क्लियर हुआ, बताइए सीताराम, आपको क्लियर है? क्लियर हुआ बताइए। ओके सारे बच्चे, तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 4.1, ठीक है, इसको बनाना है, ईमानदारी से बनाना है। जब तक अपने से नहीं कीजिएगा, तब तक मैं फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको क्लासरूम में बैठा कर मैं आपको बनवाता, लेकिन ये आपको अपने से करना है, ईमानदारी ऑनेस्टली आपको करनी है, ठीक है, इसको कीजिएगा। अगर कि कोई डाउट होगा, दिक्कत होगा, तो आप हमसे पूछिएगा। इस चार क्वेश्चंस में से कहीं भी दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा, पूछिएगा, मैं यहाँ पे डिजिटली आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय स्टूडेंट्स।